2005 के बाद जो कर्मचारियों को नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित किया गया है, इसमें भी विदेशी समझौतों के कारण ऐसा हुआ था और आज एकजुट होकर इसके विरुद्ध एक अभियान छेड़ने की आवश्यकता। अगर हमारा पूरे राष्ट्र का कर्मचारी समुदाय के साथ, उनमें सरकार को भी थोड़ा सा बल मिलेगा और वो भी राष्ट्र को लेकर अगर हम पेंशन की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, कई सुविधाएं जो पहले मिलती थी, चाहे अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार इस ओर गंभीर न हुई और कर्मचारियों के साथ कष्टदायक या पीड़ादायक हम अपने कार्यकारिणी के गठन करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए जो हमारी मांग है, मूलभूत जो समस्याओं का निदान कराने के लिए, उसके समस्याओं के निस्तारण के लिए हमारा शासन पर उसे प्रस्तुत करना और उसे क्रियान्वयन कराना, उसे सफल करना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। पांडे जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जनपद के हमारे अध्यक्ष मंत्री और सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं इसमें। यह अधिवेशन 2 दिवसीय है, 18 और 19, और यह आज प्रथम दिन है। यह कार्यक्रम आज चलेगा और कल नई कार्यकारिणी का गठन होगा। समस्याएं तो बहुत सारी समस्याएं तो विभागीय हैं, कुछ समस्याएं पदोन्नति की है, कुछ समस्याएं हमारी पुरानी पेंशन को लेकर के है, DA जो हमारे छीने जा रहे हैं उसकी समस्याएं हैं, प्रमोशन का समस्याएं, पदों की भर्ती की समस्याएं हैं, जो पद हमारे स्वीकृत हैं और वह अभी तक सृजित नहीं कर दिए गए उसको हमें सृजित कराने का है। खंड विकास अधिकारी पर प्रमोशन की मेरी मांग है। इसी तरह से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो शेष रह गए हैं जिन जनपदों में, उन जनपदों में पदों का सृजन, और प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का जिन जनपदों में पदोन्नति नहीं हो पाई है उन पर यह दबाव बना करके पदोन्नत समय से निर्धारित कराना, ये मेरा उद्देश्य होगा। मांग पत्र दिया गया था, कुछ सुनवाई हुई, कुछ सुनवाई हमारी विचाराधीन चल रही है। फिर यह 2 दिवसीय अधिवेशन में हम अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुनः हम शासन और विभाग अध्यक्ष पर अपना दबाव बनाएंगे, अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और पक्ष प्रस्तुत करते हुए अपनी मूलभूत समस्याओं का निराकरण कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।